मेरे सेयन वॉरियर्स टीनेज या फिर कॉलेज डेज में आप एक बहुत ही लिमिटेड पॉकेट मनी के साथ अपने लिए एक अल्टीमेट बेस्ट इन द वर्ल्ड वार्डरोब कैसे तैयार कर सकते हो, जिससे कि आप सुपर स्टाइलिश अपने ग्रुप के सबसे यूनिक प्लस लड़कियों के लिए भी अट्रैक्टिव दिख पाओ। आज की वीडियो में उसके अल्टीमेट गाइड की बात करेंगे और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में मैं यंगस्टर्स के 3 बिगेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा। क्या पता मेरे आंसर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आपको एक अल्टीमेट वार्डरोब तैयार करने के लिए, जिससे कि आप एवरग्रीन प्लस ट्रेंडी स्टाइल्स दोनों कर सकें, आपको 70-30 रूल जानना सबसे जरूरी है। 70-30 रूल के हिसाब से आपके वार्डरोब में जो 70% कपड़े होंगे वो बिल्कुल बेसिक एवरग्रीन क्लोथ्स ही होने चाहिए, जिनको आप हफ्ते में मैक्सिमम टाइम्स पहन सकते हो। बट जो बचे हुए 30% कपड़े हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड वाले कपड़े होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक क्लोथिंग पीस के रेस्पेक्ट में समझाता हूं। तो सबसे पहले हम टी-शर्ट्स की बात करें, तो आपके वार्डरोब में जो 70% टी-शर्ट्स होनी चाहिए वो आप स्लिम फिट सॉलिड न्यूट्रल कलर की टी-शर्ट्स ही प्रेफर करना। स्लिम फिट सॉलिड टी-शर्ट्स एक एवरग्रीन क्लोथिंग पीस है, जिन्हें आप कैजुअल से लेकर सेमी फॉर्मल इवेंट्स हर जगह स्टाइल कर सकते हो। बट डेली वेयर के हिसाब से आप बेस्ट क्वालिटी की टी-शर्ट्स कैसे ले सकते हो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बट जब हम बचे हुए 30% यानी कि ट्रेंडी ऑप्शंस की बात करें, तो इसके लिए आप ओवरसाइज्ड कैजुअल टी-शर्ट जो कि एक बॉक्सी टाइप फिट में आती है, ये साल का सबसे बड़ा ट्रेंड है और आपको आपके फ्रेंड्स से भी यूनिक दिखाएगा। ये कोई भी एक कूल कलर की एक या फिर दो अपने वार्डरोब में ऐड कर लेना। इसके अलावा आप यूनिक दिखने के लिए एप्पल कट टी-शर्ट भी अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। इन टाइप की टी-शर्ट्स में आपका बॉटम वाला जो एरिया होता है वो हल्का सा कर्व्ड होता है, तो आपको ज्यादा स्टाइलिश दिखाता है। तो टी-शर्ट्स में 70% हो गई आपकी सॉलिड टी-शर्ट्स और 30% में ओवरसाइज्ड एंड ड्रॉप कट टी-शर्ट्स। यार बट मेन प्रॉब्लम ये है कि इन टी-शर्ट्स को 99% कंपनीज बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की बनाती हैं, जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनका गला लटक जाता है या फिर कलर उतर जाता है। तो इसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान होके मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके पूरी कंट्री के सारे टेक्सटाइल हब्स विजिट करके और लिटरली सारे मटेरियल्स ट्राई करने के बाद आपके लिए फाइनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टाइल सेयन टी-शर्ट्स लेके आ गया हूं। बट सबसे मेन चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि आखिर हमारी स्टाइल सेयन टी-शर्ट्स मार्केट की बाकी सारी टी-शर्ट्स से कहीं ज्यादा बेटर और आपको ज्यादा स्टाइलिश कैसे बनाएंगी। तो हमारी तीनों टी-शर्ट्स सुपर स्ट्रेची ब्लैक सॉलिड टी-शर्ट, एप्पल कट टी-शर्ट और ओवरसाइज टी-शर्ट्स में बहुत ही हाई क्वालिटी का नेक बैंड यूज करा गया है। जनरली मार्केट की सारी टी-शर्ट्स और जो आपने और मैंने यूज करी है आज तक, उन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है कि जब हम टी-शर्ट के नीचे बनियान पहनते हैं तो बनियान नेक की साइड से क्लियरली टी-शर्ट के बाहर निकल जाती है, बहुत खराब लगती है और आपका स्टाइल गेम बिल्कुल जीरो कर देती है। तो इस चीज को स्पेशली रिजॉल्व करते हुए हमने बहुत ही थिक हाई क्वालिटी ऐसे नेक बैंड्स यूज करें जो आपके गले के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे और ये वाली प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व कर देंगे। ऊपर से तीनों टी-शर्ट्स बहुत ही प्रीमियम फील वाली और आपके ऊपर बहुत ही जबरदस्त फिटिंग वाली तो होगी ही। इंडिविजुअली हर एक टी-शर्ट की डिटेल में बात करें तो हमारी सॉलिड चारकोल ब्लैक टी-शर्ट में नॉर्मल 100% कॉटन न यूज करते हुए हमने सुपर सॉफ्ट कोम्ब्ड कॉटन प्लस स्पैंडेक्स के मिक्सचर का यूज करा है, जिससे एवरीडे यूज के हिसाब से टी-शर्ट काफी ज्यादा ब्रीदेबल, हाई क्वालिटी और इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल बन जाती है कि आप सोच नहीं सकते। ऊपर से टी-शर्ट की फिटिंग भी आप पे इतनी जबरदस्त आएगी जैसे कि स्पेशली आपने ये टी-शर्ट अपनी बॉडी फ्रेम के हिसाब से टेलर करके बनवाई हो। सेकंड टी-शर्ट यानी कि कारमाइन रेड ड्रॉप कट या एप्पल कट टी-शर्ट की बात करें, तो इसमें हमने टॉप क्वालिटी मर्सराइज्ड कॉटन का यूज लिया है। टी-शर्ट में जो मर्सराइजेशन प्रोसेस हुआ है उस वजह से टी-शर्ट का ना तो कभी कलर उतरेगा ना वो श्रिंक होगी, प्लस वो फटेगी नहीं, काफी टियर रेजिस्टेंट बन जाएगी। इसे हमने क्लासी ड्रॉप कट या एप्पल कट शेप दिया है जो आपको यूजुअल एवरीडे लुक से काफी डिफरेंट दिखाए और जो काफी सॉफ्टर और उसकी फिटिंग भी आप पे जबरदस्त आए। नंबर थर्ड ओवरसाइज टी-शर्ट की बात करें, ये हमने काफी यूनिक लाइट ऑलिव कलर की आपके लिए चूज करी है, जिसमें हमने सुपर प्रीमियम लूप नेट हैवी गेज कॉटन का यूज करा है। इसके बारे में सिंपली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस प्राइस पे इस क्वालिटी की ओवरसाइज टी-शर्ट आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में। इसका हैवी फैब्रिक प्रॉपरली फ्लो करेगा आपकी बॉडी पे, प्लस हमने इसमें एक परफेक्ट ओवरसाइज टी-शर्ट्स के डायमेंशंस दिए हैं। तीनों टी-शर्ट आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, अभी क्लिक करो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। बट मेरे सेयन वॉरियर्स के लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा स्टाइल सेयन क्लोथिंग का इंस्टा अकाउंट है उस पे आप DM कर सकते हैं। जो भी टी-शर्ट आपको खरीदनी है आपको हर टी-शर्ट पे मिनिमम 100 रुपीज का डिस्काउंट मेरी तरफ से। और हां, स्टाइल सेयन क्लोथिंग के इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि न्यू
न्यू क्लोथिंग पीसेस आप सबसे पहले ले सको। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स पे क्लिक करो यार, स्टॉक बहुत ही ज्यादा कम है। पॉइंट सेकंड, शर्ट एसेंशियल्स। शर्ट के लिए 70% ऑफ द पार्ट रहेगा आपका एक व्हाइट शर्ट और एक चेक्ड शर्ट का। व्हाइट शर्ट प्रोबेबली आपके पास पहले से ही होगी, जो कि एक वर्सेटाइल टाइमलेस क्लोथिंग पीस है, यानी कि ये कभी ट्रेंड से नहीं जाएगा। प्लस इसको आप जीन्स, पैंट्स, कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर सबके साथ पहन सकते हैं। चेक्ड शर्ट की बात करें तो नॉर्मल प्लेड पैटर्न्स में दो या तीन कलर की शर्ट भी काफी असेंशियल है आपके वार्डरोब के लिए, जो कि कैजुअल वेयर के लिए बेस्ट है। ये काफी डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है। इसे आप समर्स में जीन्स के साथ और विंटर्स में जैकेट के अंदर लेयर करके पहनना। स्टाइल से एंड टी शर्ट्स जल्दी से बिकवाओ, आपके लिए बेस्ट क्वालिटी शर्ट्स भी लाने का प्लान है मेरा। बट जहां तक हम 30% ट्रेंडी शर्ट्स की बात करते हैं, तो इसके लिए आप हाफ स्लीव की क्यूबन कॉलर्ड शर्ट ले सकते हैं। क्यूबन कॉलर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये शर्ट हाफ स्लीव में बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं, जो डेफिनेटली आपके आउटफिट को 100 टाइम्स तगड़ा बना देंगे। तो क्लासी ऑप्शंस में हो गई आपकी व्हाइट शर्ट या फिर चेक्ड शर्ट्स, और ट्रेंडी ऑप्शन हो गया क्यूबन कॉलर्ड शर्ट। पॉइंट थर्ड, बॉटम वेयर। बॉटम वेयर में एक सॉलिड नेवी ब्लू कलर की जीन्स और स्लिम फिट चीनोज, इन दोनों ही असेंशियल बॉटम वेयर्स को आप काफी मल्टीपल तरीके से पहन सकते हैं। इन दोनों के अलावा जॉगर्स भी एक असेंशियल है, जैसे आप कैजुअली स्ट्रीट्स पे, जिम में, कहीं पे भी पहन सकते हैं। जहां तक हम ट्रेंडी बॉटम वेयर्स की बात करें, तो आप सुपर स्टाइलिश कार्गो पैंट्स अपनी वार्डरोब में जल्दी से जल्दी ऐड करो। ये मल्टीपल पॉकेट्स वाली पैंट्स कैजुअल वेयर के हिसाब से काफी कूल लगती है, और ये डेफिनेटली आपको आपके फ्रेंड्स से यूनिक दिखाएगी। इसमें आप ग्रे, नेवी, ब्लैक कलर्स प्रेफर करना। तो बॉटम वेयर में असेंशियल्स में आ गई नेवी ब्लू जीन्स, चीनोज और जॉगर्स, और ट्रेंडी ऑप्शन में आ गई कार्गो पैंट्स। पॉइंट फोर्थ, फुटवेयर। फुटवेयर्स में असेंशियल्स के लिए आप एवरीडे वेयर के हिसाब से ब्लैक कलर के स्नीकर्स या फिर एथलीजर शूज ले लो, जिन्हें आप रोज कॉलेज या फिर ट्यूशंस पहन के जाना, और जो कैजुअल वेयर में जीन्स के साथ या फिर जॉगर्स के साथ आपके कंफर्टेबल भी रहे डेली बेसिस पे। जब हम असेंशियल फॉर्मल वेयर की बात करें, तो उसके लिए आप पेनी लोफर्स ले लो। ये ब्लेजर्स के साथ या फिर सूट्स के साथ पहनने के लिए एक अल्टीमेट ऑप्शन है। ये आपको डेफिनेटली स्टाइलिश और क्लासी दिखाएगा एट द सेम टाइम। जहां तक हम ट्रेंडी फुटवेयर की बात करें, तो आप या तो बूट्स या फिर हाई टॉप स्नीकर्स ले लेना। ये दोनों ही कैजुअल वेयर शूज आपको यूजुअल से हटके दिखाएंगे। ट्रस्ट में, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बूट्स पहन के बैडएस नहीं लगे। लिमिटेड बजट में आप फेक लेदर के बूट्स प्रेफर कर सकते हैं। पॉइंट फिफ्थ, विंटर वेयर। विंटर वेयर असेंशियल्स में थोड़ी कम सर्दी के लिए आप अच्छे क्वालिटी की हुडीज अपने वार्डरोब में ऐड करना। एक डिसेंट क्वालिटी की हुडी कैजुअल वेयर में जीन्स के साथ काफी कूल लगती है। सेकंड, असेंशियल जैकेट, जो ज्यादा सर्दियों में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, वो है एक क्लासी बॉम्बर जैकेट। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपके पास बॉम्बर जैकेट पहले से ही होगी शायद। ये स्टाइलिश जैकेट जिसके कॉलर्स की जगह और हाथों में ऐसे ट्रिम्स होते हैं, ये आपको गर्म भी रखेगी और फैशनेबल भी दिखाएगी। जैकेट्स के ट्रेंडी ऑप्शन की बात करें, तो वार्सिटी जैकेट एक दो साल से काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। इसकी चेन्स की जगह बटन्स होते हैं, और ये दो तीन कलर की आपको अवेलेबल होगी। इसे आप कैजुअली लेयर करके पहनना, बॉम्ब लगोगे। पॉइंट सिक्स, फॉर्मल वेयर। वेडिंग्स, एनिवर्सरी और शादी जैसे स्पेशल इवेंट्स के लिए आपके पास एक ब्लेजर तो होना ही चाहिए, ताकि आप यूजुअल से हटके और उन ओकेजंस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग सको। और ब्लेजर्स में आपको कोई ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी बॉडी पे परफेक्टली फिटेड होना चाहिए। फाइनली वीडियो की बोनस टिप के बिगेस्ट टीनेज क्वेश्चंस के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर पेरेंट्स बिल्कुल भी पॉकेट मनी नहीं देते, फिर एक वार्डरोब कैसे बनाएं? तो मेरा आंसर ये है कि आप बर्थडेज पे या फिर फेस्टिवल्स में इन मौकों का फायदा उठाओ, और धीरे धीरे करके असेंशियल क्लोथ्स ऐड करो वार्डरोब में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में कभी ट्रेंडी क्लोथ्स ऐड कर लेना। क्वेश्चन सेकंड, क्या आपको फर्स्ट कॉपी शूज लेने चाहिए या नहीं? तो देखो, वैसे तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यार ऑब्वियसली जॉर्डन्स और एयरफोर्स वंस पहनने का बहुत मन करता है, लेकिन वो है भी तो इतने कॉस्टली। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी एक सटल कलर का जॉर्डन या फिर एयरफोर्स वन खरीद लो, आपको इतना मन है तो, बट उसे आपके वार्डरोब के काफी टॉप क्लास स्टाइलिश क्लोथ्स के साथ पेयर करना, ताकि लोगों को शक ना हो और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना। और नंबर थर्ड, स्कूल या कॉलेज में पॉपुलर कैसे हो? इसका सिंपल आंसर यह है कि किसी भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लो, और उस एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो जाना। लोग अपने आप आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप पॉपुलर होगे।